साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने NIOS क्लास 10 सोशल साइंस सबक नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट और लाजमी सवाल जो आपको करने और इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब भी होंगे, तो वो सवाल करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आपको NIOS के प्रैक्टिकल असाइनमेंट या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, या इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो वो भी हम दस्तियाब है, आप हमसे हासिल कर सकते हैं PDF की शक्ल में। और गाइड वगैरह चाहिए तो वो भी किताब की शक्ल में आपके एड्रेस पर जो है कोरियर की जा सकती है। तो चलिए, पहला सवाल है, सनती इनकलाब की वजह माशरे में क्या अहम तब्दीलियाँ हैं। कह रहे हैं सनती इनकलाब की वजह से जो माशरे में जो चेंजेस आई हैं वो क्या आई। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, सनत कहते हैं फैक्ट्री को, यानी फैक्ट्री के आने से, फैक्ट्रियों के आने से जो चेंजेस आई है, जो मशीनों के आने से बदलाव आया है, वो क्या आया। तो सनती इनकलाब की वजह से माशरे में अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। सबसे पहला है कि बुनियादी वजह ये थी कि माशरा गैर मसावी हो गया, जो माशरा था वो गैर मसावी हो गया, सब एक जैसे रहे उसने, और उसने लोगों को दो तबकों में तकसीम कर दिया, सरमायादार तबका और मजदूर तबका। सरमायादार वो यानी जो इन्वेस्टमेंट करते थे मालिक लोग, और मजदूर तबका यानी गरीब लोग, दो पार्ट्स में जो है दुनिया बढ़ गई। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए सवाल को समझना मेन मकसद है आपका, अगर सवाल को समझ के करेंगे तो आप जल्दी से इसको याद कर रखेंगे और दिमाग में रहेगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि 1688 का शानदार इनकलाब दुनिया के लिए तहरीक का ज़रिया कैसे बना। सबसे पहले आपको मैं तहरीक बता देता हूँ, तहरीक किसे कहते हैं, मूवमेंट यानी एक के पीछे एक चलना, एक को देख के उसके पीछे दो, दो से दस, दस से हज़ार, वो एक तहरीक में हो जाए। कह रहे हैं शानदार खून के बग़ैर इनकलाब, इसे जो है खून के बग़ैर इनकलाब भी कहते हैं। 1688 में धर्मी से तंग आकर लोगों ने बगावत कर दी, और इंग्लिस्तान के तख्त उसकी बेटी मरियम और उसके शोहर हॉलैंड के बादशाह विलियम के हवाले कर दिया। ये तब्दीली खोरेजी के बग़ैर हुई, मतलब ये जो चेंजेस आई और ये जो बदलाव लाई पब्लिक, इसमें किसी का खून नहीं बहा, इसीलिए इसे खूनी बेखून इनकलाब कहा जाता है, यानी इसमें खून नहीं बहा। 1688 का शानदार इनकलाब दुनिया के लिए मशले राह बना, मशले राह का मतलब होता है रास्ता दिखाना। उस इनकलाब ने साबित कर दिया कि पार्लियामेंट खून बहाए बगैर जेम्स रूम के मतलब ऐन हुक्मरानी को तब्दील करने के काबिल थी, और उसने हुकूमत को आइनी शक्ल, इन्होंने हुकूमत को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक कानून दिया, और बग़ैर खून के जो है इन्होंने फतेह हासिल की। अगला सवाल है तीसरा कि इस्लाह का यूरोप और दुनिया पर क्या असर पड़ा। इस्लाह का यूरोप और दुनिया पर क्या असर पड़ा। मॉडर्न लोथर्स नामी एक जर्मन पादरी ने सबसे पहले रोमन कैथोलिक चर्च का हुक्काम को चैलेंज किया, उन्होंने उसको उनका ख्याल था कि निजात कलीसा पर तो हम प्रस्ती के बजाय यीशु मसीह पर ईमान के ज़रिए हासिल की जा सकती, उनका मानना था कि भाई अगर निजात हासिल करनी है तो कलीसा के कलीसा से हासिल नहीं होगी बल्कि यीशु मसीह पे ईमान रखने से होगी। लोथर्स के नज़रियात ने मगरिब में प्रोटेस्ट इस्तलाहात का आगाज़ किया, और ईसाई दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ईसाइयों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आगे इसी के अंदर है प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक, वो दो कौन थे, प्रोटेस्टेंट और रोमन, इनके मुताबिक मतलब मसीह निजात और मसीह के बजाय हुए रास्ते पर चलकर हासिल कर सके, ना कि कदरनामा खरीद कर। इनका कहना था कि भाई अगर आप उनके रास्ते पे चलते हैं तो आप निजात हासिल कर सकते हैं, ना कि जो है आप चर्च बना के या उन वो कदमिया नामा खरीद कर, कुछ चीज़ होती होगी वो चीज़ खरीद कर। तो इनका अलग मानना था, रोमन कैथोलिक का अलग मानना। अब है वास्को डेगामा कौन था, इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आता है पेपर में कि भाई वास्को डेगामा कौन था। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें वास्को डेगामा के बारे में, कि वास्को डेगामा एक पुर्तगाली मल्लाह था, मल्लाह समझते हैं जो कश्तियों वगैरह में सफ़र करता, जिसने 1498 में हिंदुस्तान दरियाफ्त किया, और हिंदुस्तान को दरियाफ्त करने वाला वास्को डेगामा, वह यूरोप से हिंदुस्तान तक समुद्री रास्ता दरियाफ्त करना चाहता था, वह चाहता था कि यूरोप से हिंदुस्तान का जो समुद्री रास्ता हो गया। 20 मई 1498 को वास्को डेगामा
कालीकट के साहिल पर पहुंचा और वहां के बादशाह को तिजारत करने पर आमादा किया। कालीघाट में ढामा के बाद वास्को डिगामा वापस पुर्तगाल चला गया, और वहां से वो वापस कहाँ चला गया, पुर्तगाल चला गया। अगला सवाल है कि कॉल मार्क्स ने सोशलिज्म के बारे में क्या कहा। जो कॉल मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने सोशलिज्म के बारे में क्या कहा है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। कॉल मार्क्स ने कहा है कि सरमायादार अगर मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं और खुद ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं, माशरे में इस जद्दोजहद से सरमायादारी ख़त्म हो जाएगी और मेहनत कश तबके की हुक्मरानी कायम होगी। इस काम के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, उसमें काम के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। इनका कहना था कि भाई अगर सोशलिज़म आ गया तो क्या होगा कि जो हुकूमत करेगा वो मेहनत कश तबका करेगा और उसको उसी काम के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी और सरमायादारी ख़त्म हो जाएगी। उनका ये मानना था मार्क्स का सोशलिज़म के बारे में। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 के पोस्टन टी पार्टी का वाकया क्या है या अमेरिकी जद्दोजहद आज़ादी फौरी वजह क्या वजह थी कि जो फौरी आज़ादी। अमेरिका ने नौआबादियात के तमाम तजारती सौदों पर टैक्स अदा करना पड़ता था। नौआबादियात का मतलब होता है नए नए इलाकों पर कब्जा करना, तो उसे नए नए इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए टैक्स अदा करना पड़ता था। अमेरिकी आवाम ने इसकी मुखालफत की। जो अमेरिका की आवाम थी उनने कहा कि ये सही नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। 1773 में कुछ इनकलाबियों ने इंग्लिस्तान के हिजरी पर बहाने वाली चाय को उतरने से इनकार कर दिया और चाय के डब्बों को समंदर में फेंक दिया। इसका इनकलाब ये हुआ कि वहाँ के जो लोग थे समंदर पे जो चाय उतर रही थी उसको रोका और उस चाय के डब्बे को क्या करा, पानी में फेंक दिया। अमेरिकी जंग में इस तकरीब को पोस्टन पार्टी के नाम से जाना जाता है और इसी को पोस्टन पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे नज़र में, तो आपकी नज़र में हो या ना हो लेकिन मेरी नज़र में ही बहुत अहमियत का हामिल है। अगला सवाल है कि निशातुस्सानिया किसे कहते हैं। निशातुस्सानिया जो है वो किसे कहा जाता है। लव निशातुस्सानिया यानी इसका मतलब है रिकॉग्निज्म यानी रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकता हूँ, का मतलब है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब दोबारा से। अहद कदीम में जब जागीरदारा निज़ाम अपनी बालादस्ती कायम कर चुका था, मतलब पुराने ज़माने में जब अपने हुकुम चला चुका था और सबसे ऊपर ताकतवर था जागीरदारा निज़ाम। जागीरदाराना निज़ाम होता है जो ज़मींदार होते हैं, बड़े बड़े जागीरदार, बड़ी बड़ी जिनकी जागीरें होती हैं। माशरे के दानिश्वरों ने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई शुरू कर दी, जिससे माशरे में एक नई बेदारी आई। इस नई बेदारी ने एक नई तहरीक को जन्म दिया जिसका नाम निशातुस्सानिया। इसका आगाज़ इटली में हुआ। निशातुस्सानिया ने लोगों को फिक्री और सकाफ़ती ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। ठीक है भाई, लोगों को जगाया कि भाई ये कब तक हम पे राज करते रहेंगे, और उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। इस तरह जो है इसे निशातुस्सानिया कहा जाता है। उम्मीद है सवाल आ गया, सवाल समझ में आ गया होगा। 8वां सवाल है सनती इनकलाब किसे कहते हैं। सनती इनकलाब यानी जो मशीनी दौर का इनकलाब है, रिवोल्यूशन है, वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है कि सनती इनकलाब इंग्लिस्तान से शुरू हुआ। सनती इनकलाब जो शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, इंग्लिश। इसकी बुनियादी वजह है कि इंग्लिस्तान में लोहा और कोयला काफ़ी मकदार में मौजूद था। जो लोहा था और कोयला इंग्लैंड में यानी इंग्लिस्तान में काफ़ी, जो कि मशीनी सनतों के लिए ज़रूरी था, यानी जो मशीन है उनके लिए ज़रूरी था। इंग्लैंड ने जहाज़ की सनत को भी तेज़ी से तरक्की दी, जहाज़ वगैरह बनाने। सनती इनकलाब पक्की सड़कों की तरक्की, पोस्टल टेलीग्राफ सर्विस, घूमने वाली मशीन, भाप के इंजन की इजाद का कामयाब हुआ। माशरा दो तबकों में तकसीम हो गया, सरमायादार तबका और मजदूर तबका। सनती इनकलाब, लेकिन फ़ायदा भी बहुत हुआ भाई। अब देखो जहाज़ बन गए, पोस्टल टेलीग्राम सर्विस, घूमने वाली मशीन, भाप का इंजन, ये सब चीज़ें ईजाद भी हो गई, इससे फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा सनती इनकलाब किसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये लंबा सवाल है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और मैं ये कहता हूँ कि जो क्या नाम है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ही ज़्यादा आपको तवज्जो का हामिल जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। तो इसमें है कि इनकलाब फ्रांस की वजूहात,
फ्रांसीसी इनकलाब की वजूहात बताएं। इनकलाब फ्रांस की वजूहात बताएं, फ्रांस में जो इनकलाब आया। देखिए फ्रांसीसी इनकलाब की चंद वजूहात दर्ज झेल है, यहाँ पे मैंने हर एक को लिखा है। क्या मतलकुल ऐन बादशाहत, इंतज़ामी बदनवानी, अदालती निज़ाम की कमज़ोरी, ज़ाती इंतज़ाम के मुहाफिज, गैर मुल्की वाक़यात का असर। आए अब इनको तफसील से पढ़ते हैं। अब एक एक को जो है बहुत ज़्यादा डीपली और अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है पेपर में बहुत अच्छे से करके आए और अच्छे से आप समझेंगे तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो पहला है मतलकुल ऐन बादशाह, 1789 के फ्रांसीसी इनकलाब की वजूहात हैं, जिसमें मतलकुल ऐन बादशाह नॉलेज सहूले ने कहा था कि मैं रियासत हूँ, मेरी मर्जी कानून है, ठीक है। मतलब वो अपने आप को ही सब कुछ समझते थे। रियासत ने 16वीं से नाखुश थी, जो इनकलाब की वजह बनी, ठीक है, इनकलाब की वजह, उसने अपने आप को ही सब कुछ कह दिया। अभी दूसरा इसका पॉइंट के इंतज़ामी बदनवानी, यानी वहाँ के जो मुशीर थे, बादशाह के मुशीर, नौकर और अहलकार सब करप्ट थे, सब जो है बादशाह के मुशीर जो थे और नौकर थे और अहलकार सब कैसे थे, धोखाधड़ी देने वाले, चापलोसी करना, सिफारिश करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब इंतज़ामिया की बदनवानी। अदालती निज़ाम की कमज़ोरी थी, जो अदालती निज़ाम था वो कमज़ोर था, छोटे छोटे मामलात में भी बहुत बहुत पैसे खर्च किए गए, अच्छे जज भी नहीं थे, छोटे छोटे मामलात हो जाते, जैसे लड़ाई हो गई या जो है किसी की मारपीट हो गई, इस पर भी बहुत पैसा खर्च होता था और जज भी अच्छे नहीं थे। ज़ाती आज़ादी का मुहाफिज, अवाम को बादशाह के ख़िलाफ़ तकरीरें करने पर रोकती, अवाम बादशाह के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकती थी, तहरीरों के ज़रिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म था, अपनी तहरीरों के ज़रिए आवाज़, मज़हब के हवाले से भी आज़ादी नहीं, मज़हब के हवाले से भी कोई आज़ादी नहीं थी कि भाई कौन के मज़हबी आज़ादी नहीं। गैर मुल्की वाक़यात का असर, इसी में ये भी कि जो गैर मुल्की वाक़यात का अक्सर फ्रांसीसी इनकलाब पर भी पड़ा। 1688 में इंग्लिस्तान में एक शानदार इनकलाब आया, फ़्रांस की आवाम ने भी यही चाहते थे कि फ़्रांस की आवाम भी इंग्लिस्तान जैसा आइनी निज़ाम हुकूमत हो, हाकिम हो। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब।